हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर टिप्स। आज का वीडियो है एगो पिजन इंडक्शन पर, जिसका मॉडल नंबर है SR+। ये हाई वोल्टेज से डेड हो गया है, तो इसको हमने इसको खोल के रखा है, आज इसी को रिपेयर करके बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं इंट्रो के बाद। इंट्रो के बाद आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो ये देखिए, इसको हमने पूरा खोल के टेस्ट किए, तो इसका IGBT शॉर्ट बताया है, और ये डायोड, ये तीनों डायोड लगा हुआ है, ये तीनों डायोड भी शॉर्ट हो चुका था। ये देखिए, आपको दिखाते हैं, ये देखिए शॉर्ट हो चुका है, जिसको हमने बदल दिया है। तो हमने बदल दिया है, और दिखाते हैं इधर का सेक्शन को बाद में करेंगे, पहले इधर का सेक्शन खराब है तो इसको सेक्शन को बनाएंगे। इधर का सेक्शन का वीडियो तो पहले भी बहुत दे चुका हूँ, अब इधर का सेक्शन का रिपेयर करके बताऊँगा। तो देखिए, इसका पावर IC ब्लास्ट कर गया है, इसका ये वाला भी रेजिस्टेंस भी इसका कट चुका है, इसको भी हम नया बदल दिया है। अब हम लोग के पास समस्या है, ये पावर IC का नंबर हम लोगों को पता नहीं है, और ये पिजन का ये IC बाज़ार में मिलना बड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों, हम लोग वही जो नॉर्मली बाईफार वाला IC से इसको ऑन करेंगे। तो देखिए, बने रहिए वीडियो में किस प्रकार से ऑन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस ब्लास्ट किया हुआ IC को बाहर निकालेंगे, और इसका मेन फिल्टर कैपेसिटर पर जो 450 वोल्ट 4.7 UF का है, इसमें 330 से 340 वोल्ट चेक करेंगे, कि ताकि मेरा इधर का सेक्शन जो हमने रिपेयर किया अभी, ये जो तीनों डायोड, ये रेजिस्टेंस, ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं। इसमें फिल्टर कैपेसिटर पर हम लोग 340 वोल्ट चेक करते हैं। चलिए इस IC को खोलते हैं। तो दोस्तों, हमने इस IC को निकाल दिए हैं PCB से, अब इसका मेन फिल्टर कैपेसिटर पर 330 से 340 वोल्ट चेक करेंगे। तो सबसे पहले पावर कॉर्ड को हम लोग अपना सीरीज बोर्ड में डालते हैं, और मीटर को हम लोग DC रेंज में लेते हैं। तो देखिए, ये रहा इसका कैपेसिटर, देखिए 347 वोल्ट आ रहा है, यानी यहाँ तक मेरा वोल्टेज आ चुका है, यानी इधर का सेक्शन जो रिपेयर किया वो ठीक ठाक है। अब इसमें देखिए, आपको बाईफार वाला IC लगा के हम चेक कराते हैं कि ये ऑन नहीं होगा। ये देखिए, ये बाईफार वाला IC है, गौर से देखिए, इसी से आज ऑन करेंगे। ये IC का नंबर क्या है हमको भी नहीं पता, लेकिन ये वाईफार वाला IC नहीं है, ठीक है, ये पुराना वाला वाईफार वाला IC नहीं है, ये PGN में दूसरा नंबर का IC रहता है, अभी हमको याद नहीं पड़ रहा है कौन सा नंबर है, किसी और वीडियो में आपको बता देंगे देख के। ये ब्लास्ट हो चुका है, नंबर भी इसका दिख नहीं रहा है, लेकिन इसी ये IC मार्केट में मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी IC से जो नॉर्मली इंडक्शन में हम लोग लगाते हैं वाईफार वाला IC, इसी से इसको ऑन करते हैं। तो देखिए, पर अगर हमको हम इसको ऐसे लगा देंगे तो ये ऑन नहीं कर पाएगा, इसके लिए कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो बने रहे वीडियो में, आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों, अब इसको हम लोग सोल्ड कर लेते हैं।
शॉर्ट करने के बाद ठीक से चेक कर लीजिए कि इसमें कोई लेग आपस में शॉर्ट तो नहीं गया है। देखिए आईसी को लगा लिए हैं और ये रहा इसका पैनल, आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए इसका पैनल और इसको लगा के हम लोग पावर देते हैं। देखिए ये ऑन नहीं हुआ, ये आपको दिखा रहे हैं, ये ऑन नहीं होगा। इसको सीरीज बोर्ड में लगाते हैं, देखिए कोई बीप की आवाज़ नहीं आई और ना ही डिस्प्ले में कोई लाइट है। देखिए आपको दिखाते हैं 330-340 वोल्ट यहाँ प्रेजेंट है। मीटर में गौर से देखिए, देखिए 350 वोल्ट आ रहा है लेकिन हमारा इधर ऑन नहीं हो रहा है। अब इसको देखिए किस तरह से मॉडिफिकेशन करते हैं। ये देखिए पावर कोर्ड हमने खोल लिया है, देखिए आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये कैपेसिटर हो सके चार्ज हो गया है, इसको थोड़ा डिस्चार्ज कर ले, ठीक है। तो देखिए इसमें गौर से देखिए, इसमें कुछ करना नहीं कर पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ एक डायोड का सिंबल दिया हुआ है, ये देखिए इसका कैथोड इधर है और एनोड इधर है, यहाँ ब्लैंक है, खाली जगह छोड़ा हुआ है। यहाँ पर एक को 4007 का या तो इसे नॉर्मल डायोड लगा दीजिए या तो SMD में लगा दीजिए। देखिए आपको लगाते हैं, ये देखिए मेरा पास SMD में है, ये देखिए SMD में है, SMD में ही लगा देते हैं और देखिए ये ऑन हो जाएगा। सॉरी लाइट में थोड़ा दिख नहीं रहा है। चेक कर लेते हैं डायोड कहीं उल्टा तो नहीं लगा दिए। इधर में एनोड एक कैथोड होना चाहिए, इधर में एनोड, ठीक रीडिंग सही आ रहा है। अब इसमें हम लोग पावर देते हैं और देखते हैं कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये देखिए इसका पावर बोर्ड, पावर कॉर्ड, इसको सीरीज में डालते हैं। देखिए दोस्तों ये ऑन हो गया, डिस्प्ले में देखिए ये ऑन हो गया, दिखाने की कोशिश, देखिए और आवाज़ भी आपने सुन लिया है। तो इस तरह से अगर इसका पावर आईसी ना मिले तो वाईफाई 12 आईसी से हम लोग मॉडिफिकेशन करके इसको ऑन कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सपोर्ट मिल जाएगा।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।